उत्तराखंड के काशीपुर में एक युवक ने एक तरफा प्यार में असफल होने पर छात्रा पर पाटल से हमला कर उसे घायल कर दिया था। अब पुलिस ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने छात्रा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी फरदीन को महज 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और पुलिस प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई भी की है, जहां आरोपी की ओर से अतिक्रमण किए गए हिस्से को ढा दिया गया। बताया गया कि बीते 12 फरवरी को काशीपुर के एक मोहल्ले में रहने वाले फरदीन पुत्र रिजवान ने ट्यूशन जा रही अपने मोहल्ले की ही एक छात्रा को प्रपोज कर दिया था। छात्रा के मना करने पर उसने छात्रा पर पाटल से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी फरदीन और उसके साथी समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने महज 8 घंटे के भीतर आरोपी फरदीन और उसके साथी रऊफ को गिरफ्तार कर लिया था। फरदीन के भाई को भी इस मामले में पकड़ लिया गया है। बृहस्पतिवार को पुलिस प्रशासन आरोपी फरदीन के घर पहुंची, जहां उसके मकान की नाप जोख कर अतिक्रमण वाले हिस्से पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि आप हट जाइए, क्योंकि कार्रवाई बड़ी होने जा रही है। अपने आप में नजीर पेश की है, अपराधियों को अब किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई की जा रही है, भारी संख्या में पुलिस ना सर, ये भैया पीछे हो जाओ।